बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। माशाल्लाह से आज मैंने चीज़ और मक्खन डालकर मकरोनी बनाए थे, तो मैंने इसके लिए क्या क्या चीज़ें लिए हैं आपको बताती हूँ। देखें, अदरक लहसुन और कुकर चूल्हे पे चढ़ा लिया है। जब तक कुकर का पानी सूख ना जाए तब तक मैं ये हरी मिर्च और प्याज टमाटर को खुतिमीर को मिक्सी में दरदुरा, मतलब ज़्यादा पेस्ट नहीं, थोड़ा दरदुरा पेस्ट बना लूँगी। इसके बाद इसमें मैं अदरक लहसुन भी पीस लूँगी। इसके बाद में अब तो ये मसाला रेडी है, तो कुकर भी गर्म हो गया है, तो डायरेक्टली अब मैं मसाला इसमें डाल रही हूँ। मैंने पीस लिया मसाला, अब इसमें थोड़ा अदरक लहसुन भी ऐसे ही डाल दूँगी। पहले तो ऑयल डालूँगी। आप जो चिकन को फ्राई कर बचा हुआ ऑयल होता है ना, मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, तो वही ऑयल मैंने डाला है। अभी अदरक लहसुन जो गरम मसाला मिक्स हुआ है वो मैंने डाला है इसमें। तो अब ये इस मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे दो तीन बार हम। पहले तो इसका पानी अच्छे से सूख जाए। थोड़ा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, फिर इसके बाद थोड़ा और पानी डालकर मैं फिर एक बार पकाऊंगी, क्योंकि इसमें का मसाले की बास है ना, मरनी चाहिए। अब मैंने नमक भी डाला इससे पहले, आपको आपने देखा, तो इसमें मैं मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी। हरी मिर्ची का तेज़ ही काफ़ी है। तो आप देखिए, मैं फुल फ्लेम में पका रही हूँ इस पेस्ट को, क्योंकि पेस्ट में थोड़ी बिसान बास रह जाती है, तो उसको जाना चाहिए, इसलिए मैं उसको अच्छे से पका रही हूँ। तब तक मैं ये मकरोनी काट लेती हूँ डिब्बे से। ये मकरोनी मैं जो सीपियों जैसे रहते हैं ना वो नहीं लेती, जो ये रिंग्स के जैसे रहते हैं वही लेती हूँ मकरोनी में। तो ये देखें, मकरोनी में ये भी आ गया थोड़ा, जो बड़ी होता है वो। ऐसी मकरोनी लेने से क्या होता है, इसमें ये नहीं होता, रोज़न नहीं होता, क्योंकि इसमें कभी भी कोई भी कॉकरोच या कुछ भी जाकर बैठ सकता है वो रिंग वाले मकरोनी में। इसलिए मैं इससे ऐसे रिंग वाली ही लेती हूँ, सीपी वाली नहीं लेती। तो ये मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं मकरोनी को धो लूँगी, धोकर रख लूँगी। अब ये रख देते हैं डिब्बे में मकरोनी। तब तक भी ये फ्राई हो रहा है और मैं बहुत जल रहा है चम्मच। तो इसके बाद ये मसाला फ्राई होने के बाद मैं क्या करूँगी, जब तक मैं ये मकरोनी धो लूँ तब तक ये मसाला और भी थोड़ा बन जाए, फ्राई हो जाए। तो माशाल्लाह से तो ये बन रहा है, मसाले की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने नमक भी डाल दिया है इसमें, मिर्च पाउडर नहीं यूज़ करूँगी। तो अभी अदरक लहसुन की बास भी मर गई है, तो माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत रंग आ गया है इसमें। तो इसके बाद मैं इसमें जितने मकरोनी लिए हैं उतना ट्रिबल पानी लूँगी मैं, क्योंकि सूपी मकरोनी चाहिए मुझे। बच्चे सूपी मकरोनी बहुत टेस्ट से खाते हैं, बहुत पसंद से खाते हैं। तो ये मसाला बहुत फ्राई होना चाहिए, बस यही है इसका काम आपको। तो समझ ले मैंने मकरोनी एक 400 ग्राम या 300 ग्राम लिए होंगे, तो मैं पानी उससे ट्रिबल डाल लूँगी। तो नमक सही है चका अभी मैंने, तो अभी मकरोनी मैंने धो लिए हैं अच्छे से, धोने के बाद ही यूज़ करें, क्योंकि मकरोनी का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो खुले मकरोनी लेती हूँ मैं इसलिए। तो अब ये मकरोनी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने पानी अच्छे से धो लिया, अब इसका पानी भी निकल गया है। तो मकरोनी डालकर सिर्फ 3 सीटियाँ आती हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा गल जाए तो गुद हो जाएंगे वो, तो नली का गुद होता है ना वैसा। तो बस ये मकरोनी को 3 सीटी आने दें, इसके बाद मैं मक्खन और चीज़ से गार्निश कर लूँगी, फिर डिश आउट कर लूँगी। तो बहुत मज़ेदार मकरोनी रेडी है, तैयार हैं खाने के लिए। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जैसे मैं बनाती हूँ ऐसा सेम आपके घर में ट्राई करें, तो सूपी मकरोनी बहुत टेस्टी आते हैं। तो ये देखें रेडी हो गया है मकरोनी, सूपी मकरोनी। अब इसमें मैं थोड़ा चीज़ डाल लूँगी, चीज़ डालते ही पिघल जाएगा। थोड़ा मक्खन मैंने पिघला लिया है, क्योंकि मक्खन बहुत घट हो गया था फ्रिज में रखने की वजह से, वो भी यहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही है इसलिए भी। तो इसके बाद मैं चीज़ भी थोड़ा इसमें डाल लूँगी, चीज़ और मक्खन के मकरोनी मैंने कहा था ना। तो अब ये मक्खन के मकरोनी रेडी हैं, तो अब मैं चीज़ डाल लूँगी और एक बॉल में मैं सब डिश आउट करके
थोड़े मकरोनी, तो ये देखें सूपी सूपी मकरोनी कितने टेस्ट लग रही हैं, आप खाने में कितने मज़े होंगे देखें। ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी नमाज़ों का बहुत ख्याल रखें, बहुत अहम बात है, अपनी नमाज़ों का बहुत ख्याल रखें। अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसे हैं, तो बहुत टेस्टी हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान